हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, अभी दिवाली आ रही है और हमारे घर बहुत सारी स्वीट्स बनेगी और हमें स्वीट्स के साथ कुछ चटपटा खाने का मन करता है। तो बस आज मैं वही सबका फेवरेट चटपटा चिवड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। ये चिवड़ा सिर्फ 15 मिनट में घर पर रेडी हो जाता है और आप इसे बहुत सारी क्वांटिटी में बना के स्टोर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम बनाते हैं ये दिवाली स्पेशल चटपटा चिवड़ा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप पोहा। दो टाइप के पोहा मिलते हैं, एक पतले और एक जाड़े। तो यहाँ पे मैंने जाड़े पोहे का यूज किया है। आप यहाँ चाहे तो पतले पोहे का भी यूज कर सकते हैं। ये पोहे को हम फ्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सारे मसाले मिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे 2 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर। ये मसाला हम 1.5 कप पोहे की क्वांटिटी का बना रहे हैं। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1/2 टेबलस्पून रॉक सॉल्ट। उसी के साथ हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टेबलस्पून नमक और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर। बस अभी हमें ये सारे मसाले को एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये मसाला हमें पहले ही रेडी करके रख लेना है, क्योंकि हम बाद में जो मटेरियल्स को फ्राई करेंगे उसके बाद मसाला तुरंत डालना पड़ता है, तो आसानी होगी हमें मसाला डालने में। तो बस अब ये मसाला एकदम अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अभी हम ये मसाले को साइड में रख देते हैं और मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ जो हमें चिवड़ा बनाने से पहले रेडी करके रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें थोड़ी सी हरी मिर्च को बारीक कट कर लेना है। उसी के साथ ड्राई कोकोनट की स्लाइसेस कर लेना है। उसी के साथ यहाँ पे मैंने थोड़े सी किशमिश लिए है और थोड़े से काजू, और उसी के साथ यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 कप ग्राउंडनट और थोड़े बहुत करी पत्ते। करी पत्ते से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चिवड़े में, तो आप इसे स्किप ना करें। इसके बाद यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ले लिया है और इसे गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है। ये जब तक अच्छी तरीके से गर्म नहीं होता, इसमें हम पोहा नहीं डालेंगे। ये जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा, तब हम इसके अंदर पोहा डाल देंगे। तो ये एकदम परफेक्टली गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने एक छन्नी के अंदर थोड़ा पोहा डाल दिया है और इसे हमें कुछ इस तरीके से मिक्स करते हुए पोहा को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। सिर्फ 4 से 5 सेकंड में ये पोहा एकदम अच्छी तरीके से फ्राई हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एकदम परफेक्टली पोहा फ्राई हो गया है। इसे हम साइड में निकाल देंगे और दूसरे बैच को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो बस आप यहाँ पे देखोगे, 4 से 5 सेकंड के बाद ये एकदम अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे। ये छन्नी की मदद से एकदम आसानी से ये फ्राई हो जाते हैं और बहुत ही आसानी से ये निकल भी जाते हैं। तो हम इसके अंदर का जो भी एक्सेस ऑयल है उसे निकाल देंगे और फिर इसके ऊपर हमने जो मसाला रेडी किया था वो छिड़क देंगे। यहाँ पे अभी हम 1.5 टेबलस्पून डाल रहे हैं। पोहा जब गर्म होगा तभी हमें इसके अंदर मसाला डालना है। इससे क्या होगा, एकदम इवनली सारे जगह अच्छी तरीके से मसाला स्प्रेड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मसाला जो है वो पोहे में एकदम अच्छी तरीके से मिक्स हो रहा है। मसाला की जो क्वांटिटी है वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ पे मुझे मसाला थोड़ा सा कम लग रहा था, इसके लिए यहाँ पे मैं और थोड़ा सा मसाला ऐड कर रही हूँ और इसके बाद हम इसे वापस से अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एकदम अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अभी हम दूसरी चीज़ें फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फ्राई करेंगे वो है ग्राउंड नट्स। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप ग्राउंड नट्स ले लिए हैं। इसे हम कुछ इस तरीके से मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे। इसे हम कम से कम आधा मिनट तक कुछ इस तरीके से फ्राई करेंगे। जब तक इसकी स्किन निकल ना जाए तब तक हमें इसे फ्राई करना है। ये सारी चीज़ें हमें फ्राई करते वक्त गैस का जो फ्लेम है उसे मीडियम में रखना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। तो बस अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ग्राउंड नट्स की स्किन है वो निकलने लगी है। इसका मतलब है कि ये एकदम अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो बस हम इसके अंदर का एक्सेस ऑयल है उसे निकाल देते हैं और इसे हम रख देंगे उसके ऊपर। इसके तुरंत बाद हम इसके अंदर डाल देंगे काजू, किशमिश और ड्राइड कोकोनट। तो इसे भी हम कुछ इसी तरीके से फ्राई करेंगे मिक्स करते हुए। इसे हम मीडियम लो फ्लेम पे 7 से 8 सेकंड तक अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एकदम अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। हम इसके अंदर का एक्सेस ऑयल निकाल देंगे और फिर इसे हम डाल देंगे मिक्सचर के ऊपर। इसके बाद हम चना दाल को फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने 2-3 टेबलस्पून चना दाल ली है। इसे बस हम 2-3 सेकंड्स तक अच्छी तरीके से फ्राई कर देंगे। इसके बाद हम इसे निकाल देंगे। इसको निकालने के तुरंत बाद हम इसके अंदर डाल देंगे मिर्ची और करी पत्ते। तो यहाँ पे मैंने एक ही मीडियम साइज़ की मिर्ची ली है, उसके साथ यहाँ पे मैंने लिया है बहुत सारे करी पत्ते। इसको हम मीडियम लो फ्लेम में अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे जब तक ये करी पत्ते एकदम अच्छी तरीके से क्रंची ना हो जाए।
तो बस अब ये एकदम अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं और क्रिस्पी भी हो चुके हैं। इसे हम डाल देंगे ये मिक्सचर के ऊपर और फिर अभी हम इसके ऊपर तुरंत मसाला ऐड कर देंगे जो हमने रेडी करके रखा था। हम यहाँ पे 1 टेबलस्पून मसाला ऐड कर रहे हैं। इसके बाद हम इसे एकदम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे आप मिक्सचर को टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर नमक मिर्ची कम है तो यहाँ पे ये स्टेज पे आप इसे ऐड कर दें। जब तक ये गर्म है तब तक मसाले एकदम अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मिक्सचर है वो एकदम अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। हम इसे जल्दी से सर्व कर देते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, इसके अंदर हम डाल देंगे मिक्सचर। दोस्तों आप लोग ये चिवड़ा 15 से 20 दिन तक एयरटाइट कंटेनर में रख के इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये दिवाली स्पेशल चिवड़ा की रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप लोगों ने ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों ये दिवाली पे ये चिवड़ा को एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। सब लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चिवड़ा का। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय श्री कृष्ण एंड हैव अ गुड डे।